इनेबलर्स को क्यों ज्वाइन किया? ये बंदा पाकिस्तानियों के लिए आया है तो व्हाई नॉट मी। अब आपका रेवेन्यू या स्टेटस कितना है? राइट नाउ आई एम मेकिंग लाइक 150 US dollars a month। प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज क्या हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट होना चाहिए जो हर घर की जरूरत हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना हो कि जो प्रोफेशनली यूज हो रहा हो। आमतौर पे कितना अर्सा लग जाता है प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर लाइव जाने तक? आपको लाइव जाने के लिए मैक्सिमम 2 to 3 months सारे प्रोसेस। एक बंदा है जिसके पास पैसे हैं लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं सीखना चाहता। हम तमाम किस्म के सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट क्लब का भी एक ऑप्शन है। तो ऐसा कौन सा सेफ मॉडल है जिसकी तरफ उनको जाना चाहिए इनिशियली? रेडीमेड बिजनेस के ऊपर जो ऑलरेडी परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे आएँ, जितनी आप परचेजिंग करनी है, जो भी इन्वेंटरी लेनी है वो लें और क्विक स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं शोएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम में से बेशुमार लोग अपना काम करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मिनिमम रिस्क लेते हुए और सेफ रहते हुए अपना काम किया जाए ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। आइए जानते हैं कि अमेज़ोन पर आप किस तरह सेफ रहते हुए अपना कारोबार कर सकते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इनेबलर्स इन्वेस्टर मोहतरम कासिम रजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपको तशरीफ आफरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। कासिम भाई, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे थे और आज से 5 साल पहले आप ई कॉमर्स की तरफ आए, पहले ईबे की तरफ गए, फिर आप अमेज़ोन की तरफ आए, लेकिन इस दौरान आपने अच्छा खासा लॉस किया, आपने नुकसान भी उठाया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि आप इनेबलर्स की तरफ आए और उन्होंने ऐसा क्या जादू किया आपके पे जो लॉस हो रहा था, जिन प्रोडक्ट्स पे आपको लॉस हो रहा था वही प्रोडक्ट जो हैं आपको प्रॉफिट देना शुरू होंगे? ठीक है, सबसे पहले तो थैंक्स लॉट, आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। ऑनर टू हैव यू। और ये बात बट को ऐसे ही है कि लाइक लास्ट 14 ईयर से मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में था और अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर काफ़ी अच्छा सिलसिला चल रहा था मेरा। और लेकिन 2015 में मेरे बिज़नेस पर एक कहने कुछ हालात ऐसे हो गए कि उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सका और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ वहाँ पे। तो वो एक ऐसा टाइम था जब मैं उसके बिज़नेस भी नहीं था तो ऑफिस में बैठ के टाइम भी होता था, तो मैं अदर बिज़नेस को एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट किया कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उधर मुझे अमेज़ॉन एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि भी आप अमेज़ॉन पर काम कर सकते हैं। सो मैंने वहाँ पर स्टार्ट लिया दोबारा से उसके ऊपर कि मैं अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। सो स्टार्ट के अंदर ही, क्योंकि अमेज़ॉन एक इतना आसान प्लेटफॉर्म नहीं, एक न्यू बिज़नेस था, तो जितनी समझ थी मैंने उसे स्टार्ट लिया, लेकिन लॉस इसके मैंने एक प्रोडक्ट भिजवाया, दूसरा भिजवाया, तीसरा भिजवाया, मुझे काफ़ी लॉस हुआ उसके अंदर। लेकिन लोगों का इसके मैं इंटरनेशनल देख रहा था कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, पीपल आर मेकिंग लाइक मिलियंस, सो कुछ ना कुछ तो है, गलती कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि क्या है। कीप ट्राइंग की ट्राइम लगे पे हुआ था। सो एक दिन लाइक मैं रात के लाइक 10 या 11 बजे का टाइम था, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था, तो लाइक मैं देख रहा था कुछ एड्स वगैरह या फेसबुक था, तो मुझे वहाँ पे एक नेबलर्स की एड नज़र आई। तो लाइक नेबलर्स ई कॉमर्स बिजनेस अमेज़ॉन और सेमिनार हो रहा है। सो एक ये कह लें कि डिसीजन टाइम था कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी मैं अमेज़ॉन पे काम भी कर रहा था और आपके यहाँ पर एक चीज़ है मैं शेयर करना चाहूँगा कि उस दिन मैं इतना ज़्यादा बिजी था, लाइक मेरा एक तरफ कारोबार बिल्कुल ना ख़त्म होने के ग्राए पे था बिल्कुल ही। उस टाइम अगर आपके पास कोई बिज़नेस आ रहा हो, ठीक है, आप उसको छोड़ना नहीं, प्रायोरिटी आपकी हमेशा वो होगी, बिल्कुल ठीक, कि इसके आप एक नए बिज़नेस तरफ नहीं जाओगे। सो एक्सपोर्ट में मुझे थोड़ा सा एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, सो मैंने डिसाइड करना था कि मैंने लाइक उस काम को देखूं या फिर मैं जो सेमिनार सब आए हुए हैं सियालकोट में करने वाले हैं, मैं इस तरफ जाऊं। सो मेरा कहने के ज़िंदगी का आपका बेस्ट अपना डिसीजन वो कहूंगा कि मैंने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए सेमिनार में एनेबलर्स के पास, वहाँ जा के देखूँ कि हो क्या रहा है, मतलब क्या चीज़ वो लेके आए यहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा और वहाँ पर गया, साकिब साहब आए हुए थे, उन्होंने पूरा सेमिनार किया, हर चीज़ का बताया कि अमेज़ॉन बिज़नेस क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया सारा। सो इट वाज क्वाइट गुड। सो मुझे एक समझ में आ गई कि भाई मैं क्या कर रहा था। मुझे अब तक याद है कि जैसे ही मैंने वहाँ से आया हूँ,
मेरे पार्टनर थे जिनके थ्रू मैंने लाइक अमेजोन का अकाउंट ओपन भी किया था, उनको कुछ मैंने इन्वॉल्व भी किया हुआ था। सबसे पहली कॉल मैंने पंजाबी में बात की, कम हो जाएगा लाइक इस तरह से मैंने उनसे बात किया, आई रिमेंबर स्टिल कि अब मुझे समझ में आ गया कि हमने क्या गलत किया था, इंशाल्लाह अब हमारा सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ ऑफ़र की थी लाइक आप बूट कैंप ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग जो लोग लेना चाह रहे हैं। सो मैंने कहा मैं फ़ौरन से पहले उसे मैंने इनरोल करवाया मैंने और स्टार्ट लेना शुरू किया। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चीज़ों को मैंने देखा कि मैं क्या क्या गलत कर रहा था। जैसे एक लेक्चर हुआ, अच्छा मैंने ये चीज़ ऐसे है। सेकंड लेक्चर उसमें मैंने देखा कि मैं क्या क्या करता। रियल टाइम में मीन्स कि मेरा प्रोडक्ट कुछ लाइव थे लेकिन सेलिंग्स बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत लॉस भी हो रहा था उसके अंदर। मैंने जो चीज़ें सीख रहा था उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक। उसमें कह लें कि एक तरफ मेरी बैड लक थी, मेरा बिजनेस ही ना चल रहा, एक मेरी गुड लक थी कि अमेजोन पे एक टाइम आता, जिसे कहते हैं Q4, लास्ट 3 मंथ्स से हम कहते हैं हम, वो Q4 का टाइम था, ठीक। मीन्स के बेस्ट सेल्स जो होती हैं वो उस टाइम पर होती हैं। सो वो Q4 का टाइम था, मैंने फ़ौरन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और अब यकीन नहीं करेंगे, मेरा अभी बूट कैंप ट्रेनिंग, जिसे मैं ट्रेनिंग किसे कहते हैं मुकम्मल, मेरी ख़त्म नहीं हुई थी एंड आई वॉज मेकिंग लाइक $15,000। बिल्कुल ठीक, मतलब ट्रेनिंग कितने ड्यूरिंग ट्रेनिंग, 2 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। अच्छा, लाइक आफ्टर 1 मंथ मीन्स के जो दो मैंने के दौरान जी, 2 माह के दौरान, ठीक है, मैंने अपना जो रेवेन्यू है मीन्स के ज़ीरो से मैं $50,000 पे ले गया था विद इन अ मंथ। वो हर चीज़ों को जो मुझे नॉलेज मिल रहा था, जो मैंने गलतियाँ की हुई थी उन सबको मैंने ठीक किया। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपको ट्रेनिंग लिए हुए कितना अर्सा हो गया और अब आपका रेवेन्यू या स्टेटस कितना है? मुझे ट्रेनिंग लिए 2018 में मैंने स्टार्ट लिया था, ठीक है। राइट नाउ आई एम मेकिंग लाइक $150 अ मंथ। अच्छा, माशाल्लाह, मेरा रेवेन्यू इस वक्त। कासिम भाई, अभी आप इनेबलर्स के साथ काम भी कर रहे हैं और बीइंग एन एम्बेसडर काम कर रहे हैं, इनेबलर्स को क्यों ज्वाइन किया और क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं? इसमें कुछ ऐसा था कि लाइक जब आपने बताया था कि मैं बूट कैंप लिया, ट्रेनिंग ली, सब कुछ सब कर रहा था, मैंने कुछ परफॉर्म भी किया, अपनी सेल्स भी दी। मुझे एक दिन साकिब भाई की कॉल आई कि कासिम भाई आप क्या सियालकोट के लीड करना पसंद करेंगे, आप एम्बेसडर के, उन्होंने ऑफर देशन नहीं की। तो लाइक एक सेकंड के लिए मैं खामोश हो गया कि ये क्या हो रहा है इतना बड़ा ऑफर किस तरह से हो रहा है। सो मैंने उसे एक्सेप्ट किया, बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया। और उसमें रीज़न थी एक, मैं वहाँ पे बताना चाहूँगा कि मुझे साकिब भाई की एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। लाइक जब मैंने सेमिनार अटेंड किया था, ठीक है, सो एक बंदा जो कि बिल्कुल इस्टेब्लिश है, लाइक उसको पैसा क्रेजी मनी है, एक सक्सेसफुल सेलर है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, 7 फिक्स सेल कर रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी भैया पाकिस्तान आके, लाइक लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए आए। लाइक मेरे पास एक नॉलेज है, ठीक है, मैं पाकिस्तान जाके उसको स्प्रेड करूं, लोगों को बताऊं और यहाँ पर जाके एनेबल करूं। उनकी वो बात मेरे दिल को बहुत लगी थी, यार ये बंदा पाकिस्तानियों के लिए आया है तो वाई नॉट मी, अगर मेरे पास भी नॉलेज है मुझे लोगों को बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सियालकोट की इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगलिंग लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें मैंने फ़ेस की, जिसके मुझे बताने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये किसी और के साथ हो। सो मैंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट किया और सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग कर चुके हैं CEO लेवल्स की और लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये कुछ था नेबर्स को ज्वाइन करने का, जो थोड़ा मेरा सफ़र जो अभी चल रहा है। अच्छा सर, अब जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनसे प्रोडक्ट हंट नहीं हो रही, प्रोडक्ट नहीं मिल रही। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा क्राइटेरियाज बता दें हल्का फुल्का कि कौन सी मार्केट में एंटर होना चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज क्या हैं, ताकि जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे लोग हैं वो इस बात को समझ सकें। ओके, इसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग को थोड़ा सा इस तरह से भी आप ले लें कि आपको एक आइडिया चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग एंड आइडिया अमेजोन के ऊपर। आपको एक अच्छा आइडिया मिले, आपका बिजनेस रन कर जाता है, कोई किसी काम के लिए आपको एक आइडिया चाहिए होता है। सो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया लाइक हम अगर बात करें US मार्केट की, इसमें कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें सर्च वॉल्यूम की हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट को 1 माह में कितने लोग ढूंढ रहे हैं, तो उसका मिनिमम एक सर्च वॉल्यूम लाइक 3,000 पीपल
3000 सर्चेस मिनिमम होनी चाहिए इसके, लाइक कितने लोग इसे ढूंढ रहे हो कम अज़ कम, ठीक है। फिर हम इसमें बात करेंगे कंपटीशन कितना, कि भाई ये ठीक है इसमें इतनी सर्चेस हैं तो इसमें कंपटीशन कितना, कितने लोग सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि हर प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते कि ज़्यादा कंपटीशन है, आपको लेस कंपटीशन वाली प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो उसमें हम रिव्यूज़ को कंसिडर करते हैं कि हर प्रोडक्ट कुछ रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक उसका एक वॉल्यूम है उसका भी, वो हमने देखना है कि इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, लाइक 200-250 रिव्यूज़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है। एक टर्म आ गई है, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बाद कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। लोग इस चीज़ को बिल्कुल भूल देखते नहीं है, रिसर्च नहीं करते कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उस पर आपको काम करना है, ठीक है। देन इसके प्रोडक्ट के ट्रेंड्स कितने हैं, ट्रेंड्स कैसा है, ये सीजनल तो नहीं है या और ये ट्रेंडी तो नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट भी कह लें अमेज़ॉन के ऊपर, एक कैटेगरी जिसे कहते हैं होम एंड किचन, ठीक है, उन उसके अंदर आपको सर्च करनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट होना चाहिए जो हर घर की ज़रूरत हो। कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना हो कि जो प्रोफेशनली यूज़ हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनली लोग लिमिटेड हैं। हर घर की ज़रूरत वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने वो प्रोडक्ट देखना है जो हर घर की ज़रूरत भी है और आपका बाय भी होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान आपको मद्देनज़र रखनी होती है। बिल्कुल ठीक। सोर्सिंग कैसे की जाए और सोर्सिंग कहाँ से होती है और क्या प्रेफर करें, कि चाइना से मंगवाना प्रेफर है, अलीबाबा से मंगाना प्रेफर है या अपने लोकल कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढें? ओके, सबसे बेस्ट जो है, ठीक है, अगर क्योंकि ये चीज़ फिर आ जाती है बात के ऊपर कि आपके प्रोडक्ट टाइप, जो एक्चुअल चीज़ है, हर चीज़ पाकिस्तान में नहीं बन सकती, हर चीज़ चाइना में भी बन सकती है। उस तरह से कुछ चीज़ें हमारी, जैसे सर्जिकल की मैं बात करूँ तो सर्जिकल चाइना के आइटम्स नहीं है। सो ये पहले डिपेंड होता है कि प्रोडक्ट नेचर कौन सी है, क्या मैन्युफैक्चर हो सकता है। अगर तो हमारे पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स हैं तो सबसे अच्छी बात, ठीक है। अदरवाइज अलीबाबा चाइना बहुत अच्छा सोर्स है, दुनिया की तकरीबन हर प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाती है। उसमें आपने सिर्फ एक जो चीज़ है वो देखनी है कि अपने सोर्सिंग एक की है, जिसे हम परचेजिंग भी कहते हैं, मैं कहूँगा सोर्सिंग और परचेजिंग एक जैसी चीज़ है। सो आपके सोर्सिंग परचेजिंग जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ओके, नाउ यू कैन मेक मनी, आप प्रॉफिट अच्छा ले सकते हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा कासिम, भी बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं या फिर जो भी चीज़ हमें यहाँ पे आसानी से मिल सकती है वो चीज़ हम अमेज़ोन पे बेचना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल ऐसे है। क्या ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जो मेरा स्टार्ट था, जो अपनी ज़ाती में बात करूँ, जिन रीजंस की वजह से मैंने लॉस किया वो यही रीजंस थे। मैंने आउटसोर्स नहीं देखा, जो मेरे पास अपनी कुछ प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, या जो मुझे सियालकोट से मिल सकती थी, मैंने सिर्फ उसको टारगेट किया, डिमांड चेक नहीं किया। डिमांड नहीं चेक, मालूम ही नहीं था क्या है क्या नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जो प्रोडक्ट्स भिजवाईं वो टोटल गलत थी। इसकी मुझे अभी सोर्सिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी, ठीक है, मुझे बहुत चीप प्राइसेस से मिल रहा था, सियालकोट का प्रोडक्ट था, लेकिन मेरा वो चॉइस ही गलत थी। जब मैंने बताया था कि मैंने जब प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने जब सेशन लिया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कौन सी प्रोडक्ट गलत, कौन सी ठीक है, मुझे किस पे फोकस करना है। सो इस पे ये देखना बहुत ज़रूरी थी अमेज़ॉन के ऊपर कि वहाँ पे कंपटीशन कितना है। बिल्कुल ठीक। कि आप एक उसमें जा सकते हो कि जा सकते, आपको उसमें स्पेस चाहिए। इसके कुछ एक चीज़ खाली प्राइस नहीं है इसके अंदर ज़रूरी, कि खाली प्राइस आपके पास चीप है तो आप आ जाओगे, या फिर इसमें कंपटीशन बहुत कम है फिर भी आप आ सकते हो, मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। तो आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो हर क्राइटेरिया पूरा करवाना है, और ये ज़िद बिल्कुल भी नहीं लगानी कि भाई मेरा घर का प्रोडक्ट है मैंने यही करना है। अमेज़ॉन लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो पैसा बनाने की जगह। बिल्कुल ठीक। लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो पैसा बनाने की जगह, लाइक आपके अगर कोई फैक्ट्री है कि दूसरा है, ठीक है, उसे आप एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाओ। अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होता है, वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है तो आप करो, अगर नहीं तो अपना ब्रांड डेवलप करो। बिल्कुल ठीक। सर अगर किसी ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, फर्ज करें ये सोर्सिंग भी होगी, हमने प्रोडक्ट हंट भी कर लिया था, उसकी सोर्सिंग भी होगी, अब उसको लॉन्च करना है, बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में टेक्निकलिटीज़ को साइड में रखते हुए एक जनरली अगर हम बात करें तो उसको किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितना अरसा लग जाता है, और अगर कोई आप मिसाल के तौर पर मार्केट भी ले लें और उसके एक्सपेंसेस भी बता दें। इसमें ऐसा है कि आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो जब आप अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट लाइव करते हैं तो आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, और अमेज़ॉन पे सेल्स होती हैं फर्स्ट पेज पे, 85% सेल्स आपकी फ़र्स्ट पेज पे हैं, ठीक है। जैसे आप गूगल भी करते हैं तो सेकंड थर्ड पेज पे कोई नहीं जाता,
ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे भी सेल्स हैं। तो फर्स्ट पेज पे कौन लोग सेल कर रहे हैं? जो इस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं कुछ। सो इसमें क्या होगा, इसमें स्टेप्स पहला क्या होगा कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी फर्स्ट पेज पे आने के लिए। मींस के आप कहीं भी किसी जाते हैं तो उसकी एक तैयारी होती है कि मैंने परफॉर्म करना है, मैंने हज़ारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने जाना है, तो मैं वैसे नहीं चले जाऊँ, अपनी लिस्टिंग को इस काबिल बनाऊँ और उसके बाद मैं उसके फर्स्ट पेज पे लेके आऊँ। वो चीज़ काबिल कैसे बनती है, उस पर चाहिए होती है रिव्यूज़। आपने अपने प्रोडक्ट पर कुछ रिव्यूज़ बिल्ड करने हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन आंसर्स लेके आने हैं, कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स रिव्यूज़ वाले वो करके, उसके बाद फिर अपने प्रोडक्ट आप रैंक करवा के ठीक है फर्स्ट पेज पे लेके आओगे। ठीक है, ये इसका इजी जो सा प्रोसेस है उसमें ये होगा। रैंक किस सॉफ्टवेयर से करवाते हैं, किस रैंक जो होगा वो थ्रू अमेजोन, उनके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक उसके सर्विसेज कह लें सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसे कहते हैं PPC, पे पर क्लिक। उसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, हम उसको यूज़ करेंगे स्पॉन्सर्ड एड्स को और आपका प्रोडक्ट रैंक करके लाइक फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। और इस पूरे प्रोसेस में आमतौर पे कितना अरसा लग जाता है प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर लाइव जाने तक? ओके, मैं प्रोडक्ट हंटिंग की जो बात है ठीक है उसके लिए एक टाइम लिमिट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर कोई एवरेज एवरेज लाइक अ मंथ अगर आप काम करते हैं ठीक है, अगर अच्छा आप चाहिए तो एक मंथ बहुत है, आप एक महीने में एक अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हो। देन आपको लाइव जाने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 मंथ्स सारे प्रोसेस, ठीक है, इसके अपने प्रोडक्ट सोर्स भी करने हैं, सैंपल्स चेक करने हैं, फिर उसको हमें शिप करवाने हैं, अमेजोन पर लाइव होना है, फिर जो आप लॉन्चिंग के अपने बात किया फिर वो स्टेज हो गए लाइक 3 to 4 मंथ्स। बिल्कुल ऑल प्रोसेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम कोई UK मार्केट ले लें जी, आप कोई मिनिमम कोई प्राइस ले लें किसी प्रोडक्ट की, तो उसकी लॉन्चिंग जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा? इसमें जो UK मार्केट है आप लाइक $10,000 से, इट्स अ हैंडसम अमाउंट टू स्टार्ट इन UK मार्केट। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आप इसमें एक अच्छा बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है जिसके पास पैसे हैं ठीक है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं सीखना चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग करूँ और मैं तमाम तर चीज़ों में पढ़ूँ, ना ही उसके पास टाइम है लेकिन पैसा है उसके पास, उसके लिए आप लोग क्या दे रहे हैं चॉइसेस? उसके लिए अनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पे हम काफ़ी सर्विसेज जैसे वन विंडो ऑपरेशन जिसे कहते हैं, हम तमाम किस्म के सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट क्लब का भी एक ऑप्शन है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्लब जी। और वो किन लोगों के लिए है, जिनके पास लाइक मनी एंड दे वांट टू डू बिजनेस ऑन अमेज़न पर टाइम नहीं है, उनके लिए हम अमेज़न नेबर्स क्या ऑफर दे रहा होता है कि ठीक है आप इन्वेस्ट करें, ठीक है नेबलर्स खुद से उसकी टेक केयर करेगा, उसका बिजनेस करेगा और उसका प्रॉफिट जनरेट करेगा। बिल्कुल ठीक। लाइक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर हेयर, सो हम आपको सर्विसेज देंगे। अच्छा, फिर ऑडिट किस तरह करेगा, अगर कोई इन्वेस्टर है उसने ऑडिट करना है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है किस तरह जा रहा है, तो उसको आप किस तरह बनाते हैं? इसमें ये होता है कि इसमें हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है, वीकली इसमें रिपोर्ट की जाती है हर चीज़ की कि जितना भी प्रोजेक्ट है इस पर कौन सा पैसा किधर जा रहा है, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, जिस जिस जगह पर है एक तो इन्फॉर्म किया जाता है, मीटिंग्स की जाती हैं, डिसीजन जो हम ले रहे हैं इन्फॉर्म भी करते हैं, उसके बाद अथॉरिटी होती है नेबर्स के पास, लेकिन इन्वेस्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपके पास ये है सेकंड मिले। हाँ जी, और दूसरे से मज़े की चीज़ क्या है कि सब सारा पैसा आपको नेबर्स को देने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है कि भाई आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, जैसे जैसे ज़रूरत होगी आपको साथ साथ पे करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कहा कि $10,000 लग जाते हैं UK मार्केट में आने से, फिर रैपिड लॉन्च का भी आपने एक ऑप्शन मुझे बताया ऑफ द कैमरा, आप बता रहे थे कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप टेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को कि आया ये प्रोडक्ट हमारी कामयाब होगी या नहीं होगी, और उससे तकरीबन 10% कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जितनी कि आपको पूरी लॉन्च में करनी पड़ती है। ये किस तरह होता है, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा बताएंगे हमें? इसमें रैपिड लॉन्च में ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, आपको मिल गया, आप कुछ डाउटफुल हो लाइक आप 15-20 लाख रुपए आप नहीं लगाना चाह रहे हो एकदम से, न्यू कमर हो बिल्कुल, कन्फ्यूजन होती है पता नहीं मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एक तो क्विक आपको रिजल्ट मिल जाएगा ठीक है, उसमें क्या है कि आप लोकली जिसके आप अगर US में काम कर रहे हो, आप UK में काम कर रहे हो, वहाँ से आप प्रोडक्ट को सोर्स करो एक अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर, फिर सोर्सिंग की बात आती है कि अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर से सोर्स करो ठीक है, और एक लाइक 100 पीसेस आप परचेज करके आप उसे ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। उसमें आपको कुछ प्रॉफिट और आपको मार्केट रिजल्ट्स जैसे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं वो आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते ठीक है, शुरू में वो अपना पैसा भी नहीं डुबाना चाहते, पैसा भी लिमिटेड है उनके पास,
तो ऐसा कौन सा सेफ मॉडल है जिसकी तरफ उनको जाना चाहिए इनिशियली? उसमें सेफ मॉडल रिसेंटली नेबलस के प्लेटफॉर्म में हमने कुछ एक बहुत ब्लॉकबस्टर एक हमने एक ऑफर दी है हमने, जिसमें कहते हैं परमानेंट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप उसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ ब्रांड्स हमारे ज़ाती ब्रांड्स हैं नेबलर्स, ठीक है, जिसमें कासिम ज़िया मलिक, डॉक्टर कासिम जो हमारे गुजरात के एम्बेसडर्स हैं, उनके कुछ ब्रांड्स हैं, वो ऑफ़र क्या कर रहे हैं? वो ऑफ़र ये कर रहे हैं कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है, हमारा बिज़नेस, हम अपनी लिस्टिंग्स ऑफ़र आपको करते हैं, ठीक है, आप उस पर आएँ, आप उस पर सेल करें और ख़ुद को सिक्योर। उसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको सोर्सिंग की टेंशन नहीं है, आपने कोई प्री लॉन्च नहीं करना, आपने कोई लॉन्च नहीं करना, आपने कोई बर्निंग नहीं करनी है, आपने कोई पीपीसी नहीं चलानी, लाइक रेडीमेड बिज़नेस के ऊपर जो ऑलरेडी परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है, आप वहाँ पे आएँ, वहाँ से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जितनी आप परचेजिंग करनी है, जो भी इन्वेंटरी लेनी है वो लें और क्विक स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई आपके तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन जो अमेज़ोन पर सेफ़ रहते हुए कारोबार करना चाहते हैं उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।